केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम उत्तराखंड में गतिमान है, जिसके अंतर्गत 22 से 28 फरवरी तक चतुर्थ दल प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण दौरे पर था। भ्रमण दल का स्वागत उत्तराखंड पंचायती राज विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र में सचिव पंचायती राज ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा व विषयों पर आधारित कार्यक्रमों की जानकारी दी। तत्पश्चात लद्दाख से आए पंचायत प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत भरवा काटल में केंद्र वित्त, मनरेगा, NRLM व अन्य विकास कार्यों तथा ग्राम पंचायत के निजी आय सृजन विधि के संबंध में बताया गया। इसके पश्चात भ्रमण दल ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर के लिए प्रस्थान किया। स्टेडियम में भ्रमण दल को जानकारी दी कि स्टेडियम की क्षमता 25,000 दर्शक की है। यहां की टिकट व्यवस्था व स्पोर्ट्स क्लब की सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। दूसरे दिन पंचायत प्रतिनिधियों को हरिद्वार के ग्राम पंचायत बेलरा में विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के बारे में बताया गया। वहीं जनप्रतिनिधि दल द्वारा पिरान कलियर दरगाह के भ्रमण उपरांत विश्व प्रसिद्ध पतंजलि योगपीठ का भी भ्रमण किया। दूसरे दिन के अंत में भ्रमण दल द्वारा हड़ की पैड़ी हरिद्वार का भ्रमण करते हुए सांध्यकालीन गंगा आरती में प्रतिभाग किया। अध्ययन दौरे के तीसरे दिन ग्राम पंचायत केदारवाला में लद्दाख से आए सभी जनप्रतिनिधियों का पुष्पमालाएं एवं अधिकारियों का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान व स्वागत किया गया। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी में भ्रमण दल के सदस्यों ने कृषि विज्ञान केंद्र में भ्रमण किया तथा प्याज की खेती, लीची का बगीचा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन क्लासरूम सेशन आयोजित किए गए। क्लासरूम सेशन का शुभारंभ श्री हरिचंद्र सिंहवाल सचिव पंचायती राज द्वारा किया गया। प्रतिभागियों को प्रशिक्षण पर फीडबैक एवं क्षमता विकास, NRLM एवं मनरेगा, उद्यान एवं बागवानी के क्षेत्र में पंचायतों की भूमिका तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली जड़ी बूटियों के संबंध में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पंचायतों की भूमिका विषय पर जानकारी दी गई व प्रतिभागियों द्वारा लद्दाख के अपने अनुभव साझा किए गए। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। लद्दाख से उत्तराखंड राज्य में आए नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मंडल के सम्मान में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए ले चलते हैं आपको सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संध्या कार्यक्रम में कृषि मंत्री उत्तराखंड सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। समारोह में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को कार्यक्रम में लद्दाख से आए प्रतिनिधियों द्वारा भी सम्मानित किया गया। पंचायती राज विभाग की ओर से उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत
क्षमता विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसी के तहत लद्दाख से निर्वाचित ग्राम प्रधानों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक भ्रमण दौरे में चतुर्थ प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड राज्य के दौरे पर था। लद्दाख यूनियन टेरिटरी की तरफ से पंचायत राज विभाग उत्तराखंड के सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधिगण जो सरपंच के रूप में वहाँ कार्यरत हैं, हमारे यहाँ प्रधान के रूप में वो दौरे पे हैं। 45-45 के इनके 4 ग्रुप हैं, जो आज अभी आखिरी ग्रुप का कार्यक्रम चल रहा है। ये 28 तारीख को यहाँ से वापस जाएंगे, उन्हीं के लिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इन कार्यक्रम 31 जनवरी को जब ये लोग पहला दल यहाँ पहुँचा था, तब से लेकर लगातार चल रहा है, जो 28 फरवरी को समापन होगा। ये कार्यक्रम बहुत ही यादगार रहा और पंचायत राज विभाग लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जब वार्ता हुई तो इनका जो फीडबैक आया है उसके आधार पर कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम पंचायत प्रतिनिधि लद्दाख के लिए बहुत ही कारगर रहेगा। और हमारी दुश्वारियाँ उनकी दुश्वारियाँ एक जैसी हैं, हमारी भौगोलिक परिस्थिति और उनकी भौगोलिक परिस्थितियों में भी समानता है। इसी दृष्टिकोण से लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पंचायत प्रतिनिधियों को उत्तराखंड के दौरे पर भेजा है, जिसमें एक्सपोजर विजिट और ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में लगभग 1 सप्ताह वो हमारे साथ बिता रहे हैं, जिसमें 5 दिन का कार्यक्रम है, 1 दिन आने का 1 दिन जाने का उनका है। तो ये बहुत ही सकारात्मक पहल रही उत्तराखंड की और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, हमारी सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के, हमारे पंचायत मंत्री जी आदरणीय अरविंद पांडे जी, उन सभी का भी इसमें सहयोग रहा। उत्तराखंड सरकार और पंचायत राज विभाग उत्तराखंड की ओर से जो सकारात्मक पहल की गई है वो सभी के लिए लाभदायक रहेगी, ऐसा विश्वास है। कार्यक्रम में आए सभी प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड राज्य की शासन व्यवस्था एवं पंचायती राज विभाग की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। संध्या कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने मौजूद सभी प्रतिनिधियों का मन मोहा एवं सभी प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू करवाया। इसमें लगाई 1 महीने से, तो मुझे इसके दौरान बहुत कुछ सीखने को भी मिला, भ्रमण भी करा हमने इस बहाने, और इन लोगों के साथ जो हमारा संपर्क हुआ जो दूसरी टीम के साथ, उनसे हमें बहुत चीज़ पता चला, उनके कल्चर का भी पता चला कि वो लोग क्या करते हैं, और हमारे बारे में भी हमने उनको, हमारे कल्चर के बारे में भी हमने उन्हें जानकारी दी और उन्हें बताया कि यहाँ का क्या कल्चर है। एक बार हम फील्ड में गए थे तो वहाँ इनके स्वागत में माला पहनाई, तो इन्होंने बोला कि हमें जो है, जब ये जो ये शॉल इन्होंने डाला है, इसको डालने के बाद इनके यहाँ इसको घर ले जाने की पड़ता है, और जो है कि ये इसको हटाते
उतरते नहीं है जब तक वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो क्या ये माला हम उतार दें, क्या ये उसे उतार सकते हैं? तो हमने कहा हाँ हाँ यहाँ ऐसा नहीं है, आप इसे हाथ में भी रख सकते हैं। लेकिन वो लोग इतने शराफत से कि उसे बहुत देर तक वो पहने रहे और उन्हें पूछ करके तब उसको हाथ में रख रहा था उन्होंने। तो ये चीज़ भी एक अनुभव उनके साथ हुआ और बहुत अच्छा सा लगा इस दौरान। और कई जगह हमने भ्रमण भी करी, देखी, जहाँ हम नहीं जा सकते थे वहाँ भी पहुँचे इस भ्रमण में। तो अच्छा रहा हमारा ये सफर। पंचायती राज में ये जो इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और ये आजकल लेह लद्दाख से टीम आई हुई है, इसमें हम लोगों की भी ड्यूटी लगाई हुई है और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि इन लोगों की टीम के साथ हमें भी भ्रमण करने का मौका मिला है। हम भी गए कई जगह और इन लोगों को हमने यहाँ का कल्चर बताया, इनका सीखा, तो ये सब देख करके बहुत खुशी हुई। और आज इसका यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आने वाले थे जो कि किसी कारण से नहीं आ पाए, तो फिर आज यहाँ पर बड़े सांस्कृतिक प्रोग्राम भी चल रहे हैं, तो ये देख यहाँ पर हम लोग शामिल हुए हैं और बड़ा खुशी हो रही है हम लोगों को यहाँ। हमारे साथ में इस वक्त लद्दाख से आए कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ उन्हें सीखने को मिला, कैसा उन्हें यहाँ पर लगा। आप कहाँ से आए हैं, अपना नाम बताएं। सबसे पहले मैं दूरदर्शन उत्तराखंड को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो हम यूटी लद्दाख के सरपंच हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट करगिल के और हमारा ब्लॉक जांस्कर के हैं। तो आपको थैंक यू वेरी मच। पंचायती राज विभाग द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो कैसा आपको यहाँ पर महसूस हुआ, कैसा लगा आपको यहाँ? ओब्वियसली सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट एज वेल एज उत्तराखंड के पीआरएस के यानी कि हमारा सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब भी यहाँ पे आज यहाँ पे प्रस्तुत है, तो उन सबको तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आज हमारा यूटी लद्दाख के सरपंच का यहाँ पर ट्रेनिंग कम एक्सपोजर टूर का तो फोर्थ बैच इस लार्ज हमारा लास्ट बैच यहाँ पे आए हुए, तो आज हमारा सेकंड लास्ट डे है, तो यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम भी हुआ तो हम बहुत खुश है क्योंकि हमें जो ना यहाँ का उत्तराखंड के यानी कल्चर यानी दैट इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, हम सबको बहुत अच्छे लगे। तो साथ ही साथ हमको भी मतलब उत्तराखंड के पंचायती और एज वेल एज आज के चीफ गेस्ट माननीय हमारे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के मिनिस्टर साहब को भी हमने अपने लद्दाख के थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम हमको दिखाने को मिला। मैं उत्तराखंड के सभी गाँववासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम नमग्याल दोर्जे, मैं लद्दाख रीजन में खलसी ब्लॉक से बेमा गांव से सरपंच चुन के आया हूँ। तो हमारा को ये यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने हमारा साथ दिया, उसके लिए हम उत्तराखंड गाँव वासियों और सरकार को हम सब की तरफ से नमस्ते और जुले।
मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे जो 5 डेज़ का ट्रेनिंग कम एक्सपोजर टूर था, आज उसका 4th डे है, अभी तक जो है बहुत ही अच्छा रहा। इनफैक्ट जो है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट वाज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ऐसा था कि हमारे जो रिसेप्शन के लिए यहाँ पे सेक्रेटरी एससी सेमवाल सर खुद यहाँ पे आए हुए थे, एंड द फैसिलिटीज़ दे हैव प्रोवाइडेड फॉर अस वाज अमेजिंग। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और आफ्टर दैट हमने जो है बहुत सारे पंचायत जो है ग्राम पंचायत विज़िट किए, फ्रॉम द पंचायत भरवा कटल्स, पंचायत बेलेडा और पंचायत केदारा वाला। तो मुख्तलिफ अलग अलग पंचायत में हमने अलग अलग काम्स देखे, दैट वॉज अपलॉडेबल, बहुत ही अच्छे काम्स थे। और जैसे कि पंचायत भरवा कटल में हमने इरीगेशन कनाल्स काफ़ी अच्छे से थे, और पंचायत के धरा वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे है। वहाँ के इरीगेशन सिस्टम्स है, वहाँ का आंगनवाड़ी सेंटर्स है, वहाँ के जो है पार्किंग सिस्टम कुछ वहाँ पे बनाए हुए हैं, और वहाँ के रूरल कनेक्टिविटी जो है बहुत ही अच्छे से हैं। वहाँ पे एक स्पेशल हमने ये देखा कि बायोगैस रिलेटेड कुछ था, और वहाँ में भी यूटी लद्दाख में भी एक प्लान में आए हुए कि हर एक ग्राम पंचायत में जो है बायोगैस अंडर द नेम गोबरधन एक प्लान आया हुआ है, तो उसमें भी हमें बायोगैस का ही वो जो प्लान देने वाला है। तो वहाँ से हमने ये सीखा कि बायोगैस कैसे बना सकते हो, सो वी कैन इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ मॉड्यूल इन अवर लद्दाख एज वेल। बहुत खुश हुआ यहाँ पे आके, जो उत्तराखंड के देवभूमि पर हम आके बहुत ही खुश हुए सर। यहाँ पर हमारा बिल्कुल भव्य स्वागत हुआ, बिल्कुल ग्रैंड रिसेप्शन हुआ फ्रॉम डे फर्स्ट। पहले ही दिन से उत्तराखंड के यहाँ पर आके हमने जो अतिथि देव भव का असली मकसद यहाँ पे समझा सर। द पीपल आर सो नाइस। यहाँ पे हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं यूटी लद्दाख के एलजी साहब का और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि यहाँ पे आके यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के लोगों को जाने। हम वेलकम करते हैं सर आप लोगों का भी। लद्दाख जो लद्दाख क्षेत्र है वो पहाड़ों का देश है, वहाँ पर आके वहाँ पर टूरिज़म का काफ़ी स्कोप है सर। आप लोग वहाँ पर आइए। डे फर्स्ट से जब हमने यहाँ पर लैंड किया जो उत्तर यहाँ के एयरपोर्ट पे, वहाँ से हमारा ग्रैंड रिसेप्शन हुआ सर। यहाँ के सेक्रेटरी साहब है और जहाँ यहाँ पंचायत विभाग के पूरे जो अधिकारी है वो हमारे साथ लगे रहे। हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर। हम डिफरेंट पंचायत में गए, वहाँ पे कामकाज हमने सीखा, कैसे डेवलप किया जाता है वो हमने सीखा। हम जो हमारे यूटी लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार है, एलजी साहब का शुक्रगुजार है, और ख़ासकर यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ के लोगों का, क्योंकि उन्होंने हमें जिस जो इज्जत दी, वी नेवर फॉरगेट दिट, हम नहीं भूलेंगे ये इज्जत। 22 तारीख को हम सरपंचों का एक बैच, जिसमें 32 सरपंच थे,
हम ट्रेनिंग और एक्सपोजर विजिट के लिए उत्तराखंड में आए थे। आज हमारा चौथा दिन है और आप शाम को कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, तो हमें उत्तराखंड का जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है हमारे लिए शेड्यूल किया। फर्स्ट डे हमें जो है ट्रेनिंग सेशन दिया, आफ्टरनून सेशन में इन्होंने एक्सपोजर विजिट पहले दिन से ही रखा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लगातार हमें अच्छी अच्छी पंचायतों में विज़िट कराया और अच्छे ग्राम प्रधानों से हमारी जो है इंटरेक्शन्स हुई, वहाँ की लोकल पब्लिक से हुई, फिर हम लोगों को जो अच्छे अच्छे जो एक्टिविटीज़ थी, इनको काम वो है वो हमें दिखाए गए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे सरपंचों को बहुत अच्छा लगा, जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे लेह लद्दाख में हो सकती हैं वो हमने नोट कर ली हैं और हम चाहेंगे कि ये जो काम काज हैं, जो अच्छे काम हैं, जैसे कन्वर्जेंस में हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में हों, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो अदर अलाइड डिपार्टमेंट्स के हों, वो सारे काम हमने नोट डाउन किए, देखे और हम इन चीज़ों को लद्दाख में अपने यूटी में इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको वहाँ हम चलाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि वहाँ भी ऐसी तरक्की हो पाए। बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ पे, हमको पहली जो लद्दाख यूटी होगा तो पहली जो सरपंच के साथ ऐसे उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड पंचायत के साथ मतलब ऐसा ट्रेनिंग जो सेशन रखा, उससे बहुत हमें को एक ज्ञान मिला। तो हमें यही समझ रहा हूँ कि उत्तराखंड में आके यहाँ का जो पंचायत की कितना रश अच्छे कमकश हो रहा है, वही लेके हमारा जो लेह लद्दाख और दूर दराज जो प्लांग एरिया में यही डेवलपमेंट करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जो यहाँ की उत्तराखंड की एडमिनिस्ट्रेशंस एंड पंचायती राष्ट्र इतने अच्छे से यहाँ पे काम चला, डेवलपमेंट आगे बढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा बढ़ चुका है। तो मैं यही सीख के तो इसी तरह उत्तराखंड के एक मॉडल को देख के मेरे लद्दाख को भी आगे ले जाने का एक मुझे मतलब सौभाग्य मिलेंगे। तो यही उम्मीद के साथ मैं भी यहाँ अपना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी भी यही गुजर कर वहाँ पर जाके यही बताएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे जो जिस मतलब मकसद से आया, जो वो सीखा, वहाँ पर जाके ये काम को अगर इम्प्लीमेंट करें लद्दाख में भी। Thank you.
तो साथियों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने आपको सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में लद्दाख के लोग किस तरह से उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग द्वारा किए गए कार्यों से रूबरू हुए, यहाँ की संस्कृति को उन्होंने जाना और पंचायती राज विभाग के विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमें आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।